सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आईटी जेईई केमिस्ट्री एडवांस्ड एंड हियर आई एम विद लेक्चर नंबर 2 ऑफ मोल कंसेप्ट। यस, एक बार फिर से बताना चाहूंगा सभी बच्चों को दैट वी आर डूइंग कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री आउट हियर, और जो बाकी चैप्टर्स हैं, जो जायंट चैप्टर्स हैं, लाइक थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेम, केमिकल काइनेटिक्स, लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाला पार्ट, रियल गैसेस, इतने चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी डन एंड द लेक्चर्स आर अवेलेबल इन अवर ऐप। एंड अगर आपने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ऐप तुरंत इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ आपको और भी काफ़ी प्रॉफिटेबल आपके लिए कोर्सेज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी चल रहा है जिसमें हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स प्लस कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कहा जाए तो कंप्लीट आइसोमर्स तक ख़त्म किया है इंक्लूडिंग आईपीएससी, और अब जीओसी हम अबाउट टू डू हैं। ठीक है, तो आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसके लिए। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा चल रहा है वो कुछ छोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं, लाइक मोल कंसेप्ट, इसी में कंसंट्रेशन टर्म्स भी करेंगे, प्लस इक्विवेलेंट कंसेप्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शंस एंड आइडियल गैस। तो ये पोर्शन हमारा बचा हुआ है, इनको हम अभी पब्लिक करेंगे यूट्यूब पर। यूट्यूब पर पब्लिक हम करने वाले हैं। थोड़ा सा मुझे ये 3 दिन लग गए ये दूसरा लेक्चर लाने में, आप 2-3 दिन का और मुझे समय दीजिए। क्या है, अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर 2023 जेई एडवांस्ड एस्पिरेंट्स के लिए, तो उसके सॉल्यूशंस 10 पेपर के मुझे बनाने, जो कि मैंने 4-5 पेपर के बना दिए। 2-3 दिन और लगेगा, 4-5 पेपर के और सॉल्यूशंस पूरे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हैंड रिटन सॉल्यूशंस दे रहा हूँ बहुत ही ट्रस्टेड। तो वो बनाने के बाद मेरा जो काम है वो काफ़ी हल्का हो जाएगा, और मैं फिर पूरी तरह से, जो हमारे ऑर्गेनिक वाले बच्चे हैं जिनकी कोर्स चल रही है, ऑल दो उनका मैं लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहा है, एक आध दिन का गैप हो रहा है, चलता है वो तो ऑब्वियस है। और फिजिकल केमिस्ट्री हमारा मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट, इस पे कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, बस 2-3 दिन का और समय दीजिए, वो काम मेरा ख़त्म हो जाए। और ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम 10th of May, दैट इज़ डे आफ्टर टुमारो से, तो उसको भी लेकर थोड़ा सा काम रहता है। अगर आपको अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं, अगर आप चाहते हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस में आने के लिए, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, 100% फ्री ऑफलाइन क्लासेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ओके, सो लेट अस बिगिन विद लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा लेक्चर 1 में हमने किया क्या था। लेक्चर 1 में हमने अच्छे से समझा था ये मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, एवोगैड्रो नंबर, देन मोल क्या होता है ये समझा था। फिर हमने आइडियल गैस फिनिश किसके साथ किया था, आइडियल गैस का आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, टेम्पररली डिराइव करके बताया था, PV=nRT, ये फॉर्मूला हमने बताया था। और आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज समझिए, ये जो चैप्टर है ना मोल कंसेप्ट, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरी बहुत कम है। ठीक है, थ्योरी वाइज मैं बोलूँगा थ्योरी उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन क्वेश्चंस के थोड़े बहुत वैरायटी आपको दिख जाते हैं, बट वो पूरे वैरायटी कहीं ना कहीं यूनिटरी मेथड पर ही बेस्ड होते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। और आपको भी यही करना है, आपको अभी उसमें छुपा यूनिटरी मेथड देखना है। ठीक है, यूनिटरी मेथड पे बेस्ड होते हैं। तो आज हम लेक्चर 2 में क्या करने वाले, थ्योरी तो हमने थोड़ी बहुत कर ली, कंसेप्ट समझ लिया क्या है कैसा है, आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले ऑन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कैलकुलेशंस। ठीक है, इस पे थोड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस का जो
आपको सोर्स है इस चैप्टर के लिए, वो मैं रिकमेंड करूंगा नीरज कुमार, काफ़ी अच्छी पियर्सन पब्लिकेशन की किताब है। एक्चुअली पियर्सन पब्लिकेशन की हर एक किताब मुझे पर्सनली थोड़ी पसंद होती है। प्रॉब्लम्स जो इनके प्रॉब्लम बुक्स होते हैं वो बाकी किताबों से इनका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। ऑल दो आज हम सेकेंड लेक्चर ही कर रहे हैं, कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर इतने टफ चीज़ें सेकेंड लेक्चर में क्यों करा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो बेटा, उसमें नीरज कुमार में एक जेई मेन वाली भी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब मैं क्लास 9th 10th लेवल के क्वेश्चंस कराऊं, उससे अच्छा है कि थोड़ा अपन जेई मेंस लेवल को ही अप्रोच करते हैं, ठीक है। समय बचेगा, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी और सही तरीका भी पढ़ने का यही। आप देखेंगे कि कोई ऐसा बहुत ही ऐसा क्वेश्चन नहीं करा दूंगा मैं आज आपको कि यार दूसरा ही लेक्चर है सर, इतना ऐसे कैसे करा देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बहुत आराम से चलेंगे, अच्छे से एक एक चीज़ को समझ के चलेंगे। तो इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो यार, इसका PDF नेट में आपको गूगल में फ्री में अवेलेबल मिलेगा, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास हार्ड कॉपी है बुक की तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ और भी ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर मैं ये बुक रिकमेंड करता हूँ। ऑल दो हर चैप्टर ही अच्छा दिया हुआ है, एक्सेप्ट 2-3 चैप्टर्स हैं वो मैं बताऊँगा, वो उतना खास नहीं दिया हुआ है इस बुक में। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड स्टेट्स की बात करो तो मुझे पर्सनली उतने नहीं पसंद आए सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस, दे आर मोर ऑफ कैलकुलेटिव टाइप, कि थोड़े और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते थे जो कि इस किताब में नहीं। तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, सब कुछ करेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज भी आने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं। अभी क्लास में जितना करा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से बस फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो काफ़ी हो गए इधर उधर की बातें, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज कुछ सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन इज मास ऑफ दिस मच एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, तो 3.2 × 10^5 एटम्स, इतने सारे एटम्स का मास है, 8 × 10^-18 ग्राम्स, तो बताना एटॉमिक मास कितना होगा। तो एटॉमिक मास बोल रहा है बेटा मतलब आप ग्राम एटॉमिक मास मान के चले, ऑल दो इसको यूनिट देनी चाहिए थी, बट अगर नहीं दिया हुआ है सिर्फ एटॉमिक मास बोला है तो आप ग्राम एटॉमिक मास ही माने। तो एटॉमिक मास मतलब एक मोल का मास, ठीक है। एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर 23, लगभग इतना ही। एवोगैड्रो नंबर्स भी दे दिया है तो एक फील ले सकते हो आपकी वहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहा हो। तो बेटा इतने एटम देखो, छुपा हुआ यूनिटरी मेथड देखो, बहुत ही आसान सवाल, बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे। तो इतने एटम्स का मास इतना है बेटा, तो अपने को चाहिए इतने एटम्स का मास, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एक एटम का मास होगा 8 × 10^-18 अपॉन 3.2 × 10^5। एक एटम का मास इतना हुआ और इसमें इंटू करो आप एवोगैड्रो नंबर, तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, तो एक मोल का मास मिल जाएगा विच इज द एटॉमिक मास, यही होता है एटॉमिक मास। ये लगभग 15 के आसपास आएगा, ठीक है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। सो द ग्राफ, अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर एन एलिमेंट बाय पुटिंग इट्स मास ऑन एक्स एक्सिस, अच्छा ये एक्स एक्सिस पे मास है, एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पर तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंपैरेटिवली जो सेकेंड लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट में आप कहीं भी करते होगे, कहीं और इंस्टीट्यूट में या जहाँ भी आप पढ़ रहे हो सेकेंड लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट, उनसे थोड़े बेहतर होंगे ना, ये गारंटी। सेकेंड लेक्चर में तो थोड़ा इंट्रोड्यूस ही करते रह जाते हैं मोल को क्या होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा बेटर करेंगे, ये गारंटीड। तो देखो बेटा, ग्राफ इज प्लॉटेड, अब यहाँ पे बोल रहा है मास इधर दिया हुआ है इस एक्सिस में और इधर बोल रहा है नंबर ऑफ एटम्स, तो एटॉमिक मास बताना है। व्हाट इज द एटॉमिक मास, मतलब एक मोल का मास, एक मोल का मास यानी कि एवोगैड्रो नंबर्स का मास, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो अगर इतने एटम्स हैं, इतने एटम्स का क्या मास होगा,
यही बताना है, इतने एटम्स का क्या मास होगा। यहाँ देखो स्लोप दिख रहा है ना, टेन थीटा स्लोप होता है, तो टेन थीटा स्लोप होता है विच इज गिवन एज 1.5 इंटू 10 की पावर ऑफ 22। ये स्लोप दिया हुआ है, दिस इज द स्लोप। और अगर आप स्लोप देखें तो आप ऐसे निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप ये दो पॉइंट्स इमेजिन कर लो, एक तो 0 0 हो गया, तो ये तुम्हारा x1 y1 0 0 हो गया। और अगर आप यहां पर देखो बेटा y2, तो y है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने मानू मैं, कितने मानू, इतने मान लू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन x2। x2 क्या है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास ही तो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा ma। और ये किसके बराबर है, ये है इसके बराबर, स्लोप है ना, ये यही तो स्लोप है, 1.5 इंटू 10 की पावर 22, यही तो स्लोप है। तो ma जो आ जाएगा, सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन दिस नंबर विच इज 1.5 इंटू 10 की पावर ऑफ 22। तो ठीक है, लगभग 40 के आसपास आ रहा है शायद, ये लगभग 40 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो यस 40 इज द आंसर, 40 के आसपास आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आओ थोड़ा इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पकड़ो। सो क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट द एटॉमिक मास ऑफ टू एलिमेंट्स पी एंड क्यू आर 40 एंड 20। तो पी का मास है, एटॉमिक मास इज 20 यूनिट्स, क्यू का है 40 यूनिट्स। तो अगर ए ग्राम ऑफ पी में बी एटम्स हैं, अच्छा तो ए ग्राम में मोल्स कितने होंगे, तो ए बाई 20 मोल्स ऑफ पी, यही है ना, ए बाई 20 मोल्स में अपने पास बी एटम्स हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। तो 2a ग्राम ऑफ क्यू में, क्यू के 2a ग्राम में, तो 2a ग्राम में बेटा मोल्स कितने होंगे वो देख लो, तो 2a अपॉन क्यू का मास दिया हुआ है 40। तो देखा जाए तो यहां भी a बाई 20 मोल्स ही है, यहां भी a बाई 20 मोल्स ही है। और अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स भी तो सेम ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो सभी चीज के लिए डिफाइंड होता है। p के लिए अगर बोला जाए 2 मोल ऑफ p मतलब 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ p, 2 मोल्स ऑफ q मतलब 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ q, तो नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही होंगे। तो अगर a बाई 20 मोल्स का मतलब b एटम है p के, तो a बाई 20 मोल्स ऑफ q भी होगा, तो उसमें भी b एटम्स ही होंगे, तो आंसर विल बी b। चलिए अगला सवाल, यहां पर क्या दिख रहा है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज X4O9। इफ कंपाउंड कंटेन्स 40% एक्स बाई मास, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एक्स। तो एक्स तो बहुत इजी है, ये क्लास 8th 9th की जो परसेंटेज आप पढ़ते हैं वैसा ही कुछ है। तो X4O9 के टोटल मास में से एक्स का 40% मास है, तो आप एक्स के मास को ले लीजिए एक्स, तो एक्स इंटू 4, ये हो जाएगा बेटा मास ऑफ एक्स अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा, 4x प्लस 16 ओ का इंटू 9, दैट इज 144। और ये कुल मिला के कितना हो रहा है, 40/100, ये हो रहा है 40/100, 40%। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x आपका मोलर मास है x का, तो उस हिसाब से आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो भी आएगी देख लीजिए। देन इट सेज क्वेश्चन नंबर 16 उठाते हैं, ध्यान से देखते जाएंगे अभी फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ मेटेलिक कार्बोनेट इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इंटू क्लोराइड विच इज दिस मच। अब यहाँ पर क्या बोला गया, देखो कि XCO3 कार्बोनेट को कन्वर्ट कर दिया गया है क्लोराइड, कार्बोनेट को कन्वर्ट कर दिया गया है क्लोराइड में।
जिसका वेट इतना है और इसका वेट था 1 ग्राम। अब ये मत सोचना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वॉयलेट हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जब आपका कार्बोनेट क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ है तो कुछ कुछ और भी हुआ होगा, है ना, ऐसे अपने आप थोड़ा ना कन्वर्ट हो जाता है। क्लोराइड के लिए कोई क्लोराइड सैंपल डाला गया होगा, फिर कार्बोनेट जो CO2 वगैरह है वो सब बचा होगा, निकला होगा। तो अभी कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको नहीं देखना है, आपको ऐसे सोचना है कि इसका एक मोल इसमें कन्वर्ट हो गया होगा। ऑल्दो क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि एक मोल है, ऐसा लिखा तो नहीं है कहीं। तो इसके लिए ना थोड़ा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा होता करना, बट ऑल्दो होता एक मोल से एक मोल ही है इस केस में। थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अभी लिखना नहीं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को। यहाँ तो एक मोल से एक मोल कन्वर्ट होगा ये सोच के अपने को सॉल्व करना है, बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के वो हमेशा सेम होते हैं। कोई भी रिएक्शन हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम होते हैं, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहा जाता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है सर, उसमें मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर ऐसा करते हैं, और एन फैक्टर को हमने अपने ही हिसाब से डिफाइन कर दिया, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से एन फैक्टर को हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हमेशा ट्रू रहता है, क्योंकि एन फैक्टर तो हमारे हाथ में, हमने उस तरह से ही डिफाइन किया है एन फैक्टर को ताकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हमेशा सेटिस्फाइड रहे। समझिए बात को, समझिए। तो सॉल्ट्स के लिए हमने एन फैक्टर डिफाइन किया है टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज कोई भी सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव तो हमेशा सेम ही होता है। तो अगर आप देख पा रहे हैं बेटा तो यहां भी एन फैक्टर 2 है और यहां भी एन फैक्टर 2 है, तो इक्विवेलेंट हमेशा बराबर रहते हैं, और सिंस यहां पर एन फैक्टर दोनों का सेम है तो मोल्स भी हमेशा बराबर रहेंगे, मोल्स भी हमेशा बराबर रहेंगे, बिकॉज इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट्स होते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो आई होप ये बात थोड़ी समझ आ गई आपको। तो यहां पर बेटा क्या करेंगे, जैसे 1 ग्राम है तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 1/ द मोलर मास ऑफ XCO3। तो XCO3 का मोलर मास कोई बड़ी बात है नहीं, आप मोलर मास ऑफ XCO3 लिख लीजिएगा, जहां x वेरिएबल रहेगा, इज इक्वल टू 1.1 अपॉन मोलर मास ऑफ XCl2। यहां भी x वेरिएबल रहेगा, Cl का पता है, कार्बन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। देन ये तो 9th ग्रेड के क्वेश्चन है, ये नहीं करा रहा हूं, परसेंटेज एबंडेंस वाले क्वेश्चन है ना, वो 9th ग्रेड में आपने इवन NCERT में किया है 9th ग्रेड में, तो वो नहीं करा रहे। इसको देखो कुछ अलग सा दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एंड इट इज ऑब्जर्व दैट इट कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम एटम्स। अच्छा, एक हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, उसमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों के एटम्स हैं, एटम्स है ना, गैस का सैंपल है और एटम्स है दोनों के, इन द एटमिक रेशियो 6000:1। अरे बाप रे, मतलब अगर 6000 एटम्स हाइड्रोजन के हैं तो ड्यूटेरियम का एक एटम है, ऐसी बात है। तो 3 ग्राम का सैंपल अगर मैं लेता हूं तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अब आपको यह भी क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन 1-1 होता है, ड्यूटेरियम 1-2 होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स की संख्या 0 होती है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 आ जाता है। तो 3 ग्राम अगर आप सैंपल लेते हो तो अगर मुझे न्यूट्रॉन्स की संख्या बतानी है तो न्यूट्रॉन्स होगा अगर तो वो ड्यूटेरियम में ही होगा। तो 3 ग्राम में ड्यूटेरियम कितना है मुझे ये बताना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये 3 ग्राम का मोलर मास पता करना होगा। अब देखो, अब आप मोलर मास में कंफ्यूज मत होना, बिकॉज अगर आप एवरेज मोलर मास भी निकालोगे, एवरेज कैसे निकाल सकते हैं आगे मैं पढ़ाऊंगा एवरेज कैसे निकालते हैं, बट कॉमन सेंस यूज करो भाई। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी है, सोचिए ए और बी है, ए के 2 मोल्स है, बी के 3 मोल्स है, ए का मास एम ए है, बी का मास एम बी है, तो आप एवरेज मोलर मास कैसे निकालोगे।
आप ऐसे ही करोगे ना, 2 इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस 3 इंटू मोलर मास ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, यही करोगे ना एवरेज के लिए, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, तो एवरेज मोलर मास, एक मोल का एवरेज मास सैंपल का, ठीक है, 8th 9th लेवल ऑफ मैथ्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा हाइप भी नहीं देना है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही करोगे, लेकिन यहाँ पर मैं देखूँ तो 6000 एटम में से एक एटम है, तो एवरेज क्या निकालना है यार, जो जो हाइड्रोजन का मास है, जो एच एटम का मास है, उसी को एवरेज मान लो, देख रहे हो आप, इतने में से एक एटम उसका है और मास में भी कोई खास डिफरेंस है नहीं, तो उसको 1 ही मान लीजिए आप, तो 3 ग्राम में से 1 ग्राम, तो ये हो गया बेटा मोल्स, मोल्स ऑफ एटम्स, इसमें से एवोगैड्रो नंबर में इंटू करूंगा, तो इतने एटम्स आपके पास है, इतने एटम्स आपके पास है, और आपको चाहिए कि ड्यूटीरियम कितना है, ड्यूटीरियम कितना है, तो जितने ड्यूटीरियम उतने न्यूट्रॉन्स, जितने ड्यूटीरियम उतने न्यूट्रॉन्स, तो बेटा 6001, तो 6001 में से एक ड्यूटीरियम होता है, तो क्या ये फ्रैक्शन 1/6001 होगा मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये होंगे बेटा तुम्हारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आंसर कितना आ रहा है ये आप पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा, आंसर की भी आपको मिल जाएगी, शायद सॉल्यूशंस भी मिल जाएं, देख लेना एक बार, शायद सॉल्यूशंस भी मिल जाएं, ऑल्दो सॉल्यूशन को देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद थोड़ा दिमाग लगाएं और सॉल्व करें, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो आप आराम से खुद दिमाग लगा सकते हैं और सॉल्व करिए। चलिए, आई होप यार इतनी बातें ना क्लियर है, ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर मास पे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ से एटम्स की तरह ना सोच के थोड़ा मॉलिक्यूल्स की दिशा में सोचिएगा, ठीक है, तो और अच्छे से चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो बोला जा रहा है 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 विल वे एज मच एज दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, मतलब कि SO3 के अगर 20 मॉलिक्यूल्स लिए जाए तो जो मास होगा उस मास के लिए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स लेने, यही बोल रहा है, शुद्ध हिंदी में बोलूं तो यही मतलब समझ में आ रहा है। तो बस आप, ये भी यूनिटरी मेथड है, बेसिक क्लास 8th 9th, उससे भी लोअर लेवल का देखिए, तो 20 मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा, 10 × 80 mu, और इतना टोटल मास चाहिए, और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, O2, तो O2 मॉलिक्यूल की तरह सोचना होगा, तो O2 तो ये हो गया 32 mu, तो इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लगेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल ही पूछा है ना, हाँ इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगेंगे, कैलकुलेट कर लेना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इट सेज दैट द मास ऑफ CO2 दैट मस्ट बी मिक्स विद 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सच दैट 27 ml of a sample of the resulting mixture would contain the equal number of molecules of each gas. अच्छा, एक बार में पढ़ के तो काफी कुछ लग रहा है। अच्छा, ठीक है। देखो, अगर आप समझ पा रहे हो, तो ये बोल रहा है कि अगर मैंने ऑक्सीजन का 20 ग्राम लिया है और उसमें CO2 का कुछ ग्राम मुझे मिलाना है, और इस तरह से मिलाना है कि जब मैं 27 ml लूं सैंपल का, तो दोनों में, तो उस 27 ml में दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें 27 का कोई खास रोल है, क्योंकि अगर आपने 20 ग्राम के लिए x ग्राम को ही कुछ इस तरह से लिया है कि दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो आप 27 ml लो, 10 ml लो, 5 ml लो, 100 ml लो, कुछ भी अमाउंट लो, कुछ भी वॉल्यूम लो गैस का, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम मिलने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसे मिक्सचर की बात करते हैं, एक्चुअली में हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे होते हैं। तो बात यही है, जैसे मान लो O2 के 20 ग्राम में सपोज करो 3 moles हैं, सपोज करो, वो है नहीं 3 moles, दिख रहा है, तो 3 moles हैं, तो आपको उतना मास लेना पड़ेगा CO2 का कि उसके भी 3 moles हो, और CO2 का मास होता है 44, तो 3 moles के लिए 44 × 3, तो उतना मास लेना पड़ेगा। मतलब सीधी बात यह है
कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होने चाहिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होने चाहिए, कर दीजिए नंबर ऑफ मोल्स सेम। O2 है तो O2 का गिवन मास दिया हुआ है 20 अपॉन 32 इज इक्वल्स टू इसका गिवन मास x अपॉन 44। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 27 से कोई लेना देना नहीं है। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ CO2 दैट इज टू बी मिक्स्ड। ओके डन। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। अ मिक्सचर ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ P, ओके 2 × 10^21 मॉलिक्यूल्स ऑफ P, चलिए बढ़िया है, और 3 × 10^21 मॉलिक्यूल्स ऑफ Q, अब 1 मोल के लगभग आसपास है, थोड़े कम है बट लगभग आसपास दिख रहे हैं। इनका वजन मिलाकर वेट 0.6 ग्राम है। अगर P का मॉलिक्यूलर मास 44 यूनिट्स है या ग्राम्स है तो Q का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? आसान है, तो मॉलिक्यूलर मास अगर उसका 45 है, इसका मतलब कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास या मॉलिक्यूल्स का मास, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बात हो रही, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास है 45, तो एक मॉलिक्यूल का क्या मास होगा, एक मॉलिक्यूल का क्या मास होगा, तो आप कहेंगे 45 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यही होगा। तो इतने मॉलिक्यूल्स का क्या मास होगा, वही 6-7 वाली यूनिटरी मेथड ये देखते जाओ, उसके बाहर का कुछ लगे तो खुद ही बताना, मुझे कुछ है ही नहीं, है ना। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ पी का मास कितना होगा, तो क्या ये इतना होगा 45 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू 2 × 10^21 प्लस, अब और भी कुछ है, हाँ क्यू भी है, क्यू का मोलर मास नहीं पता, वही निकालना है, तो मोलर मास ऑफ क्यू अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू 3 × 10^21 और ये मिलाकर 0.6 हो रहा है, ये मिलाकर 0.6 हो रहा है, एंड दिस इज अ नॉर्मल लीनियर इक्वेशन दैट यू नीड टू सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ एम क्यू। एम क्यू विल बी द मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्यू, दैट्स इट। ठीक है, ये भी आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। देन लेट्स डू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 24। द शेप ऑफ अ टोबैको मोसाइक वायरस दैट इज TMV, एक मॉलिक्यूल है, ऐसे ही सोचिए, कुछ वायरस वायरस से कंफ्यूज ना हो, इज सिलेंड्रिकल हैविंग अ लेंथ ऑफ 3000 एमएम स्ट्रॉन्ग एंड डायमीटर ऑफ दिस। अच्छा, तो यहां पर ऐसा कुछ कहा गया है कि आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसकी लेंथ आपको बता दी गई है समथिंग समथिंग और डायमीटर आपको बता दी गई है समथिंग, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज दिस मच 12.5 मिलीलीटर पर ग्राम, 12.5 मिलीलीटर पर ग्राम, डेंसिटी नहीं है, देखिए उल्टा यूनिट है, ग्राम पर मिलीलीटर नहीं है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक ग्राम का क्या वॉल्यूम है ऐसा बताया गया है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ TMV इज, हाँ इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े, जब से NTA ने होस्ट संभाला है जेई मेंस के पेपर का, तब से थोड़े इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑल्दो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़े से कैलकुलेशन है, चलिए करिए कैलकुलेशन, बताते हैं। सो अगर एक चीज आप यहां पर देखो, मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। सपोज करो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल वो है VML, निकाल लिया। अब यहां पर बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ TMV क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास मतलब वही बात है, मास ऑफ
एनए एटम्स, एटम्स तो नहीं है यहां पर, मॉलिक्यूल्स है, मास ऑफ एनए मॉलिक्यूल्स। सपोज करो ये एम है, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? तो एक मॉलिक्यूल का मास एम अपॉन एनए होगा, कोई इसमें शक नहीं है। एक मॉलिक्यूल का ये मास है, और ये है तुम्हारे एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। एक बात और बताई गई है कि एक ग्राम में 12.5 ml का वॉल्यूम है, ये बात बता दी गई है, देख लीजिए आप, दिस इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो आपको बताना है, अब इसके बीच में एक रिलेशन निकालो, क्योंकि आपका जो अननोन है वो है m, वही आपको फाइंड करना है। तो यार एक मॉलिक्यूल का मास आपको पता है इतना है, और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है। अब ये बताओ तो एक ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? तो मॉलिक्यूल्स इन वन ग्राम, मॉलिक्यूल्स इन वन ग्राम, तो सर एक ग्राम में तो वन अपॉन एक मॉलिक्यूल का मास विच इज एम इन टू एन ए। तो एक ग्राम में ये है बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल का मास है वी एम एल, और एक ग्राम का टोटल वॉल्यूम है 12.5 ml। तो क्या आपको ये समझ आ रही है कि एक मॉलिक्यूल का अगर वॉल्यूम वी एम एल है तो 10 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 10 वी एम एल होगा, 20 का 20 वी एम एल होगा, इसी तरह से इतने मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो होगा एन ए अपॉन एम इंटू वी एम एल। ये वी आपने निकाला है, बड़ा सा कुछ नंबर आया होगा। तो दिस, और ये वॉल्यूम एक ग्राम का वॉल्यूम है, एक ग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम है, उनका वॉल्यूम है, और ये वैल्यू 12.5 है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, दिस इज 12.5। थोड़े यूनिट्स का ध्यान रखेंगे बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ योर एम। तो फाइनली सॉल्व फॉर एम, कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर क्वेश्चन था, बट अगर आप देखें तो मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं बताया आपको, यूज किया है नॉर्मल यूनिटरी मेथड। ठीक है, चलिए थोड़े बहुत और देखें कुछ, चलिए आते हैं इधर, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या कह रहा है। हाउ मेनी एटम्स डू मर्क्यूरी वेपर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ इट? द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी वेपर रिलेटिव टू द एयर इज 6.92। अच्छा, ये थोड़ा सा बच्चों को एक बार पढ़ के अजीब लग सकता है। तो एक्चुअली बोला है मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स हैं और उनका वेपर है, मतलब कुछ ऐसा HG, लेकिन हाउ मेनी एटम्स डू द मॉलिक्यूल्स कंजेस्ट? हमको पता है ऑक्सीजन में O2 होता है, हमको पता है नाइट्रोजन में N2 होता है, हमको पता है ओजोन में O3 होता है, लेकिन मर्क्यूरी के वेपर्स में मर्क्यूरी के कितने एटम्स होंगे पर मॉलिक्यूल कितने एटम्स होंगे, ये बात की जानकारी हमें नहीं है। और इस डेटा से हमें यही बात पता करनी है कि मर्क्यूरी के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो क्या मैं उसे HgX ऐसा मान लूं? हाँ। अब यहां पर बोला जा रहा है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी वेपर विथ एयर, एयर के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी 6.92 है। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी एक तरह का है, और मास ऑफ एयर बता दिया गया एक मोल का ही है। तो आप बेटा बहुत आसानी से आप इसको एक्स मान लीजिए, तो उसका मास हो जाएगा 200x हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल का भी अगर मैं बोलूं तो 200x, या एक मोल का बोलूं तो 200x ग्राम्स, वही बात है, वो तो आप समझ चुके। तो ऐसे बोल सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 6.92। और अब अंडर सेम कंडीशंस ये डेंसिटी मेजर हुई होगी, तो डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ
एच जी एक्स अपॉन वॉल्यूम, और एयर में भी वही करेंगे, मास ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम। अब आप ये समझिए कि सिंस आप दोनों की डेंसिटी सेम कंडीशंस पे मेजर कर रहे होंगे और आपको मैंने बताया है कि वॉल्यूम जो होता है वो दोनों का सेम आएगा अगर आप दोनों के सेम मोल्स लेते हैं तो, कि कंडीशंस प्रेशर टेम्परेचर आप दिया नहीं हुआ है बट मानना पड़ेगा आपको कि सेम ही होगा, वो तो ऑब्वियस है। तो अगर मैं इसका भी वन मोल लूं और इसका भी वन मोल लूं तो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? जी सर, बिल्कुल सेम होगा। इसका भी वन मोल लूं, इसका भी वन मोल लूं तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम मैंने काट दिया। अच्छा, तो मास ऑफ एच जी एक्स इज 200x अपॉन मास ऑफ एयर विच इज 29 इज इक्वल टू 6.92। एंड नाउ सॉल्व फॉर x, अब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब सॉल्व करिए, वन या टू कुछ आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा सॉल्व करके। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। इट सेज द वेपर डेंसिटी ऑफ अ वोलेटाइल सब्सटेंस इज 1.2। अच्छा, अब यहां पर बात आ गई, सर ये वेपर डेंसिटी होता क्या है? तो लिखो थोड़ा, वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी एक तरह से, जैसे पीछे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, कंपैरिजन किया ना डेंसिटी का, किससे किससे कंपैरिजन किया? विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उसी से कंपैरिजन हुआ पिछले क्वेश्चन में। यहां थोड़ा वेपर डेंसिटी का जो टर्म है वो डिफाइंड ही इस तरह से कि आप डेंसिटी कंपेयर कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, द लाइटेस्ट गैस पॉसिबल, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड मान के आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। तो वेपर डेंसिटी इज एक्चुअली यू कैन से डेंसिटी ऑफ वन मोल ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे डिफाइंड होता है वेपर डेंसिटी। मेक दिस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर नोट्स। एंड सिंस बोथ आर मेजर्ड एट सेम कंडीशंस, बोथ मेजर्ड एट सेम कंडीशंस, आप एसटीपी भी बोल सकते हैं। अगर दोनों सेम कंडीशन में मेजर हुआ है, प्रेशर टेम्परेचर सेम है, और अगर आपने वन मोल दोनों का फिक्स किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वॉल्यूम भी सेम होगा, एज्यूमिंग द गैसेस टू बी आइडियल। यस, एज्यूमिंग, एज्यूम करना पड़ता है बेटा, जहां भी नहीं लिखा हुआ है आपको क्या एज्यूम करना है, एज्यूम द गैसेस टू बी आइडियल, आइडियल ही मानेंगे आप। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, और मास ऑफ गैस, और एक मोल है तो क्या वो मॉलिक्यूलर मास हो गया गैस का, क्या वो मॉलिक्यूलर मास हो गया गैस का? जी हाँ। अब ये डेंसिटी ऑफ वन, तो मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, सो दिस इज एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इज 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी, यू कैन से मॉलिक्यूलर मास इज 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी, यू कैन से। नाउ लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन, क्या मिला? मॉलिक्यूलर मास इज 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी ऑफ द सेम गैस। कैसे आया, समझ आ गया? फील नहीं करना है, फील नहीं करना है इसको, सिर्फ उस डेफिनेशन को देखना है, क्या है डेफिनेशन, हाउ इट हैज बीन डिफाइंड वेपर डेंसिटी का टर्म, ठीक है। वेपर डेंसिटी ऑफ अ वोलेटाइल सब्सटेंस इज 1.2, C2H6 इथेन है ये, वोलेटाइल होता है, जी बिल्कुल। तो वेपर डेंसिटी इज 1.2, सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस विल बी सिंपली 2.4, ठीक। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 28। इट सेज अ कंपाउंड कंटेन्स 7 कार्बन एटम्स, अच्छा 7 कार्बन है और क्या क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन है एंड 9.96 × 10⁻²⁴ ग्राम्स है
अदर एलिमेंट्स का। अच्छा, अदर एलिमेंट्स, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो मेरी बात को समझो, मॉलिक्यूलर मास के लिए आप एक मोल उसके मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करो, करोगे एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करो, करा। अब उस एक मोल का मॉलिक्यूल है, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दिख रहा है मुझे, C7O2 एंड अदर एलिमेंट्स X। कितने हैं अदर एलिमेंट्स, कितने हैं वो तो नहीं पता, बट उनका मास पता है। ये है एक मॉलिक्यूल में इतना मास है। तो एक मोल जब आप ले रहे हो तो क्या आपको समझ आ रहा है कि इसका मास कितना होगा? 12 × 7 विच इज 84। देन ऑक्सीजन 32, 32 एटम्स बता दिया है, तो 32, ठीक है, 32 प्लस। अब इसको अगर आप देखो तो ये एक मॉलिक्यूल में इतना मास है, कितना? एक मॉलिक्यूल में बोला जा रहा है 9.96 × 10²-24। तो अब इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये मिल गया मुझे एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या मास होगा, वो मिल गया। नाउ दिस इज 84, 32 विच इज, ठीक है, कुछ नंबर होगा ये, और इधर देखा जाए तो दिस इज 10²-1। कैलकुलेशन आप कर लेना, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, चलो इतना बता दे। तो ये लगभग 10 × 6 60 हो गया, 60 × 10²-1 6 हो गया, ये लगभग 6 हो गया। एंड दिस इज 90 + 32 विच इज 122, हाँ ठीक है ऑप्शन। तो 122 जो हुआ इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ, इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ 122। आगे बढ़ते थोड़ा और करते हैं इसको। चलो तो परसेंटेज सिंपल है, इधर आ जाओ, थोड़ा बहुत ये भी सिंपल ही है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। आउट ऑफ 1 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ऑफ ओजोन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर कंटेन्ड इन। आसान है जी, बिल्कुल। तो आपको अगर ऑक्सीजन एटम्स पता करने हैं तो 1 ग्राम डाई ऑक्सीजन, तो O2 मॉलिक्यूल का 1 ग्राम, ऐसा मतलब है O2 का 1 ग्राम। तो मोल्स ऑफ O2, O2 के मोल्स कितने हुए, O2 के मोल्स कितने हुए, 1/32, ये O2 के मोल्स हुए, ये O2 के मोल्स हुए, है ना। और अगर ये O2 के मोल्स हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में O के एटम्स कितने हैं, 2 हैं। तो अबे इतने मोल्स में, पहले तो मॉलिक्यूल्स पता चल गया तुझे इनटू एनए, तो एटम्स कितने हुए, तो इनटू 2, तो तेरे Na/16 एटम्स आए, किसके, ऑक्सीजन के, इतने एटम्स आए ऑक्सीजन के। इसी तरह से 1 ग्राम ओजोन को देखो बेटा, तो 1/48 O3 होता है और एटॉमिसिटी 3 है, मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में भी इनटू 3 विच इज Na/16 एटम्स, Na/16 एटम्स होंगे। एंड देन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस की बात हो तो अगेन वही बात है, 1/32 × Na, और ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है तो इनटू 2 करेंगे। अरे अच्छा, ये मैंने 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये इसी को यही ले लिया, 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन बोला है, ऑक्सीजन गैस के लिए ये वाला लेना है ना O2, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन मतलब 1/16 × Na, तो सब में वही आ रहा है Na/16, तो यस ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, सो दिस विल बी द आंसर। देन लेट्स टेक सम मोर ऑफ इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच सेज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 6.4 ग्राम्स पर ऑक्साइड आयन इज। अब देखो बेटा, पर ऑक्साइड आयन की बात हो रही है, तो जब आयन की बात होती है तो घबराने का नहीं, क्योंकि आयन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन। अब इलेक्ट्रॉन आपने क्लास 9th की केमिस्ट्री में इतनी पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी मासलेस एंड द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज सपोज्ड टू बी इन इट्स न्यूक्लियस ओनली, ऐसा अप्रोक्सीमेशन मान के चला जाता है जी। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो या गेन हो, कुछ भी हो, मास पे फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहां पर आपके पास है O2 2-, ये एक आयन होता है, परऑक्साइड आयन। अभी तक नॉर्मली आपने ऑक्साइड आयन पढ़ा होगा, 10th तक में ऑक्साइड आयन पढ़ा होगा। अब ये आप पढ़ेंगे आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सुपर ऑक्साइड आयन, पर ऑक्साइड आयन, तो उनमें से एक ये है O2 2-। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो एक ऑक्सीजन में आपको पता होगा बेटा 2.6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो O2 में कितना हो गया? 12 हो गए। O2 टू माइनस में कितना हो गया? 2 माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 हो गए एक एटम में, एक सॉरी एक मॉलिक्यूल में, या एक आयन में, ऐसा बोल सकता हूं, एक आयन में, है ना, जो कि थोड़ा मॉलिक्यूलर टाइप आयन है। O2 है ना, थोड़ा मॉलिक्यूलर टाइप आयन है। तो कुछ नहीं बेटा, 6.4 अपॉन 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स इनटू 14, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 6.4 ग्राम्स ऑफ परऑक्साइड। बहुत आसान, जी हाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, द नंबर ऑफ फ्लोराइड आयंस, द नंबर ऑफ फ्लोराइड आयंस इन 4.2 ग्राम ऑफ AlF3, AlF3 4.2 ग्राम्स। तो फिर वही बात है, AlF3 एक्चुअली कोई मॉलिक्यूल नहीं है, वो है तो फॉर्मूला, ठीक है, आयनिक है तो फॉर्मूला, बट अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एक मॉलिक्यूल की तरह सोच के करें तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला। हाँ, आप ये बोल सकते हो सर वो मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, वो तो आयनिक है, तो एक के बाद एक के बाद एक आयंस हैं, बट उसका जो फॉर्मूला यूनिट बनाया गया है ना, वो एक मॉलिक्यूल जैसा ही लगता है देखकर, और कैलकुलेशंस में भी कुछ अंतर नहीं आएगा, तो आप वैसे सोच के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको तो पता है, कोई घबराने वाली बात है नहीं, कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है, लेकिन आप उसको मॉलिक्यूल की तरह इमेजिन करके काम कर सकते हैं। मैं भी मॉलिक्यूल नहीं बोलता उसको, चलो मैं भी उसको फॉर्मूला यूनिट ही बोलता हूं। तो अगर मैं देखूं एक AlF3 फॉर्मूला यूनिट का मोलर मास कितना होगा, तो ये होगा 27 प्लस 19 इंटू 3 विच इज 27 प्लस 57 जो कि 84 आ गया, ठीक है। 4.2 ग्राम्स दिया हुआ है, तो ये हो गया 4.2 अपॉन 84, इतने मोल्स हो गए, तो इतने फॉर्मूला यूनिट्स हो गए, इनटू एनए कर दिया, इतने फॉर्मूला यूनिट, और एक फॉर्मूला यूनिट में 3 फ्लोराइड आयंस हैं, तो इतने फॉर्मूला यूनिट में इनटू 3 इतने फ्लोराइड आयंस हैं। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बढ़िया। आगे बढ़े, थोड़ा बहुत और देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 34 भी देख लेते हैं। आज के क्लास के बाद आपको मस्त से मोल, मोलर मास, एवरेज मोलर मास, तो बहुत सारे एवरेज के क्वेश्चंस नहीं आए, बट ये जो मोल वोल का बेसिक कंसेप्ट है ना, ये बिल्कुल अच्छे से चमक जाएगा, और लेक्चर 3 के बाद थोड़ी और सॉलिडिटी आ जाएगी, फिर स्टोइकोमेट्री, पैरेलल रिएक्शंस, सिक्वेंशियल रिएक्शंस, वो सब शुरू करें। तो लेक्चर 3 के बाद आप तुरंत जाके थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, आज भी वही बोलो, बहुत हद तक तो आज के बाद ही कर सकते हो स्टार्ट, लेकिन थोड़ा एक लेक्चर और देख लीजिए। सो द क्वांटिटी ऑफ 13.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन चेंजेस टू Al+3, क्योंकि क्या थोड़ा कंसंट्रेशन टर्म्स भी करके जाएं तो थोड़ा अच्छा होगा, है ना। तो ठीक है, ये एल्यूमिनियम चेंजेस टू दिस इन द सॉल्यूशन विल लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अब बहुत बेसिक सी बात है कि Al+3 में जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अगर 13.5 ग्राम है, मतलब आधा मोल है, तो आधा मोल है तो कितने एटम्स हो गए? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा इंटू 3? तो ये 9.1 इंटू जो भी है 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इट सेज इफ एन आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन 1% ऑफ KI एंड अ पर्सन टेक्स 2 ग्राम ऑफ द सॉल्ट एवरी डे। अच्छा, तो 2 ग्राम सॉल्ट है, उसका 1% KI है, तो मास ऑफ KI कितना हो गया? मास ऑफ KI जो कि इनटेक कर रहा है वो पर्सन एक दिन में, तो ये हो गया 1% ऑफ दिस, मतलब 0.002 ग्राम्स, यही होगा 1%। सो द आयोडीन आयंस
गोइंग इन टू हिज बॉडी एवरी डे, तो ठीक बात है, के आई का मोलर मास देख लीजिए, या फॉर्मूला बोलू, फॉर्मूला मास देखें तो के आई का फॉर्मूला मास कितना होगा बेटा, के इज 39 प्लस 127, ये कुछ इसका फॉर्मूला मास होगा। तो आप इससे इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, मोलर फॉर्मूला मास, ठीक है। तो फॉर्मूला मास वन मोल का कितना होगा, वन मोल का मास हो जाएगा 0. अरे वन मोल का मास तो पता है यार, ये वन मोल का मास ही है, बोलने का मतलब है कि 0.002 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई ये कितने हो जाएंगे। तो आप कहेंगे 0.002 अपॉन ये जो भी मास है 39 प्लस 127, ये मास है, और एक के आई फॉर्मूला यूनिट में आयोडाइड आयन भी एक ही है, तो इंटू वन करेंगे तो आयोडाइड आयन आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये मोल्स चीज़ें समझ आ गई। चलो थोड़े बहुत इसके भी दो तीन प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कुछ नया इसमें भी नहीं होगा, जो हमने पढ़ा है उसके विद इन ही चीज़ें इसमें हो जाएंगी। सो लेट्स फाइंड आउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डोपामीन। डोपामीन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, मॉलिक्यूल दैट सर्व्स टू ट्रांसमिट मैसेजेस इन द ब्रेन, कोई मतलब नहीं है इससे हमको। द केमिकल फॉर्मूला इज दिस मच, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला C8H11O2N, एंड हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ डोपामीन। तो यार क्या है, यूनिटरी मेथड ही है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूनिटरी मेथड पर बेस्ड ही एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जितने जितना भी मास दिया हुआ है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अगर आप कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है, और इसके पीछे का कंसेप्ट आपको पढ़ाई चुके हैं। तो कुछ नहीं, 1 ग्राम आपका गिवन मास है, उसमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, मॉलिक्यूलर मास भी बहुत इजीली निकाल लेंगे, सबका पता है। तो 1 अपॉन द मॉलिक्यूलर मास विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स, एंड दैट कैलकुलेशन यू विल बी डूइंग फर्दर। अगला देखें, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथेनॉल इज अ सब्सटेंस कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एल्कोहल इज दिस मच, ओके। अब देखो डेंसिटी की बात आ गई, तो डेंसिटी कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, आप सभी को पता है। तो यहां बोल रहा है बेटा कि अल्कोहल की डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml अगर अल्कोहल लूं मैं तो 0.8 ग्राम उसका मास आता है। तो अगर मैं 1.2 मोल्स ले लूं इथेनॉल के तो क्या वॉल्यूम लगेगा, ठीक है। तो 1.2 मोल्स, तो इथेनॉल का थोड़ा फॉर्मूला चलो दिया नहीं हुआ है, 1.2 मोल्स बता दिया गया है फॉर्मूला, ठीक है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इथेनॉल इज CH3CH2OH, ठीक है। तो आप यहां से इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास m इसका आ गया, और 1 मोल का मास होता है, तो यहां पर कितने मोल्स दिए हुए हैं, 1.2 मोल्स, तो 1.2 मोल्स मतलब 1.2 m, ये हो गया इसका टोटल मास, जो मास रिक्वायर्ड है, जो मास रिक्वायर्ड है वो हो गया 1.2 m, इज इट ओके, यस। और आपको बताना है कि कितना वॉल्यूम लगेगा, बहुत बेसिक सी बात है बेटा, 1 ml के लिए 0.8 ग्राम लगता है, तो यहां पर आपके पास मास पता है विच इज 1.2 × m, और आपको डेंसिटी पता है विच इज 0.8 ग्राम पर ml, यू कैन इजिली फाइंड वॉल्यूम फ्रॉम हियर, यहां से आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़े, मैं क्यों इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि हैं तो बहुत आसान, लेकिन आपको शुरू में थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम्स एंड एक्चुअली व्हाट इज मोल, इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और देख लेते हैं, चलो 38th क्वेश्चन, इट सेज दैट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 277 केल्विन इज 18 ml, अच्छा तो 1 मोल का वॉल्यूम है 18 ml, और 1 मोल वाटर का मास कितना होता है बेटा, 18 ग्राम्स,
इसका मतलब डेंसिटी 1 ग्राम पर ml नजर आ रही है, सबको आ गई होगी, ठीक है। सो 1 ml ऑफ वाटर कंटेन्स 20 ड्रॉप्स। अच्छा, मतलब 20 ड्रॉप्स का जो मास है वो 1 ग्राम है, क्योंकि 1 ml 1 ग्राम सेम है। 20 ड्रॉप का मास अगर इतना है तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एक ड्रॉप में? तो एक ड्रॉप में मास कितना होगा? तो आप कहेंगे सर एक ड्रॉप में 1/20 ग्राम्स मास होगा, 1/20 ग्राम्स। तो आपको ये देखना है कि 1/20 ग्राम्स में मोल्स कितने होंगे। अच्छा, तो दिस द गिवन मास एंड द मॉलिक्यूलर मास इज 18, तो मोल्स कितने होंगे? मैं यहीं कहीं एडजस्ट कर देता हूं, आप समझ लीजिएगा, मोल्स होंगे गिवन मास दैट इज 1/20 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज 18, इतने मोल्स होंगे। इसमें एवोगैड्रो नंबर इनटू करेंगे आप तो ये बेटा आपको मिलेंगे क्या, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपको मिलेंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप, एंड कैलकुलेशन यू विल बी डूइंग, कैलकुलेशन यू विल बी डूइंग, ठीक है। तो ठीक है, बचे हुए क्वेश्चंस आप थोड़ा खुद से बना लीजिए, आपको बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग, नेक्स्ट क्लास का मैं आपको बता देता हूँ। सो इन नेक्स्ट क्लास थोड़ा बहुत ऐसे ही चलेगी वो भी क्लास, थोड़े एवरेज मोलर मास पर थोड़ी बहुत बातें करेंगे, थोड़ा परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे थोड़ी बहुत बातें करेंगे, और थोड़ा इम्पीरिकल फॉर्मूला वगैरह टच करेंगे, एंड फर्दर स्टोइकोमेट्री जो होगा हमारा वो नेक्स्ट अच्छा टॉपिक होगा जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। स्टोइकोमेट्री फॉलोड बाय कंसंट्रेशन टर्म्स फॉलोड बाय सम स्पेशल रिएक्शंस लाइक पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी नॉट फर्स्ट ऑर्डर, पैरेलल सीक्वेंशियल एंड ऑल दोज रिएक्शंस, वो थोड़े से आगे बढ़ के करेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा तो नहीं बोलूँगा मैं, बहुत ही बड़ा है, छोटा छोटे 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 पार्ट्स हैं जो कि बहुत मिला दो तो थोड़ा सा बड़ा लगता है, बट कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, कंसेप्ट बहुत कम है, कुछ डेफिनेशंस हैं और यूनिटरी मेथड है, इतना आता है तो आप बहुत आराम से करते हुए निकल चलोगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अरे यार मोल कंसेप्ट में तो 50 फार्मूला है, 60 फार्मूला है, कोई नहीं है फॉर्मूला यार, देखो कोई फॉर्मूला थोड़ी नहीं लग रहा है। तो ये अप्रोच आप डेवलप करिए, आप अभी 10th to 11th मूविंग बच्चे हैं मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो आप ये अप्रोच डेवलप करिए बेटा कि फॉर्मूला बहुत बड़ा भ्रम है, फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़े। मैं कुछ नहीं तो अभी 2 लेक्चर्स में इस बात को आपको 10 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मन में आपकी ये बैठे कि फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई जेई एडवांस की नहीं होती है। ये मान लीजिए जो भी मास्टर फॉर्मूला लिखा रहा है आपको और फॉर्मूला में पुट कर करके आंसर निकलवा रहा है आपसे, आप समझ लीजिए आप मिसगाइड हो रहे हैं जेईई एडवांस के लिए। हो सकता है मेंस और नीट में वो तरीका ज़्यादा अच्छा हो, आपको कम समय में सॉल्व कर पा रहे होगे आप, बट वो तरीका बहुत गलत है जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।